सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के आयुष एग्जाम के पेपर को। एमपीपीएससी का जो आयुष का पेपर है, इसी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आयुष का जो पेपर है उसका केवल पार्ट ए डिस्कस करेंगे, मतलब जो जीएस पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपके आयुष के जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि जीएस का क्वेश्चन इस समय इस तरह से चल रहा है ना एमपीपीएससी के अंदर। तो आई डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट दिस वन। पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज ए न्यू अवार्ड नेम्ड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्टार्टेड। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका सही आंसर है वो है सी, 2009 से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट चूंकि एमपीपीएससी का जो फोकस होता है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जो स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना जिसे संबल 2.0 बोलते हैं, कुछ जगहों में आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी लिखा मिलता है, जो कि संबल 2.0 है। तो इससे पूछा गया, स्टार्टेड बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन 2018, 2018 में शुरुआत की गई, क्या पर्पज था इसको शुरू करने का? तो यहाँ पर दिया गया है बेसिकली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किया था। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने संबल योजना की शुरुआत की थी। बाकी टू प्रोवाइड हाउसिंग टू द पुअर ये कोई स्कीम नहीं है, टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ ये भी नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। तो संबल योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, जैसे कि किसी की डेथ होती है तो उसके बाद में अंत्येष्टि के लिए भी बेसिकली पैसे दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए कवरेज दिया जाता है। तो कई सारी चीज़ें बेसिकली संबल योजना के अंतर्गत कवर की गई। इवनली संबल योजना के अंतर्गत कुछ और चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे कि इवनली जो बिजली बिल जो है उसको कम करने की बात की गई है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं संबल योजना एक कंप्रिहेंसिव स्कीम है, एक अम्ब्रेला स्कीम आप कह सकते हैं, जिसे बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज एसोसिएट विद द मोहम्मद बिलाल खत्री ऑफ मध्य प्रदेश अवार्डेड विद द नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2018। तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2018, तो यहाँ पूछा गया आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक प्रिंटिंग है ना। तो देखा जाए तो कौन सा हैंडीक्राफ्ट है मोहम्मद बिलाल खत्री से संबंधित है, ये है ब्लॉक प्रिंटिंग, जिनके लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। द कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग दैट वॉज डेवलप्ड इन 1980s टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड द कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग दैट वॉज डेवलप्ड इन 1980s टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, ISCII है ना। ये बेसिकली 1980 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, इंडियन लैंग्वेज, द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज के लिए है ना कंप्यूटर में। तो याद रखेंगे ISCII। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा आसान नहीं है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में वहाँ से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट विच द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू सूरज धारा स्कीम। सूरज धारा स्कीम से संबंधित कौन सा है? अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं, तो बेसिकली आपको बताना है सूरज धारा स्कीम किसके अंतर्गत कवर होता है। तो इसका सही आंसर है फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी सूरज धारा स्कीम कवर की जाती है, ठीक है। तो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे गए हैं। अगला है विक्रम अवार्ड 2021 विनर प्लेयर है तमन्ना निगम इज एसोसिएट विद विच द फॉलोइंग स्पोर्ट। विक्रम अवार्ड के विनर है तमन्ना निगम। देखिए यहाँ पर आमतौर पे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि जो विक्रम अवार्ड हैं, एकलव्य अवार्ड हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ विश्वमित्र पुरस्कार है, कोच को दिया जाता है, इसके जो मेन मेन अवार्ड हैं उनसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि कौन सा किस फील्ड से एसोसिएट है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्रिकेट। तो तमन्ना निगम क्रिकेट संबंधित हैं और इनको विक्रम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको कमेंट में बताना है विक्रम अवार्ड की शुरुआत कब हुई है। इन विच ईयर वॉज द मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी एस्टेब्लिश। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी कब एस्टेब्लिश किया गया है? और इसका सही आंसर है 2011 में मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई है। हालांकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए अपनी क्लास में। पद्मश्री भूरीबाई
इज एसोसिएट विद विच द फॉलोइंग फॉर पेंटिंग, भूरी बाई का संबंध किस प्रकार की पेंटिंग से है? तो इसमें आप देखिए इसका सही आंसर है पिथोरा। भूरी बाई का संबंध पिथोरा से है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, फ्यूचर में आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 के हिसाब से चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंट बाय होम। अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं कहूंगा ये काफी आसान क्वेश्चन है। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 164 के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य है या ऐसे जो कंप्लीट राज्य है उनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल उनकी शपथ भी दिलाते हैं पद और गोपनीयता की। लेकिन दिल्ली जैसे राज्यों के, हम दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरीज के हम बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है उनकी बात करें तो वहां पर चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। शपथ जो है वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उपराज्यपाल बोलते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो बेसिक है जिसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है हरदा, हरदा इसका सही आंसर है। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो निवाड़ी का ऑप्शन यहां पर दिया ही नहीं है। अब जब निवाड़ी दिया नहीं है तो हिसाब से हम उसको चूज नहीं कर सकते। हालांकि 2011 सेंसस जब किया गया था उस समय निवाड़ी जिला था भी नहीं, तो उस हिसाब से देखें तो यहां बेस्ट ऑप्शन क्या है? हरदा। तो हरदा की आबादी सबसे कम थी। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो सेंसस से क्वेश्चन आंसर पूछा जाते हैं, इसलिए सेंसस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिटरेसी रेट स्पेशली ज्यादा पूछ जाती है, सेक्स रेशियो पूछ लिया आता है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ लिया आती है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ी तैयार करने होते हैं। तो लिटरेसी रेट की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बेसिकली 69.3% हमारे मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट है। और याद रहे सबसे अधिक लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश में किसकी है और सबसे कम लिटरेसी किसकी है, दोनों पता होना चाहिए। जबलपुर की लिटरेसी सबसे अधिक है और सबसे कम किसकी है? सबसे कम है आपकी अलराजपुर की। वेयर इज द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड लोकेट मध्य प्रदेश, BHEL, BHEL मध्य प्रदेश में कहां पर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं, और ये है आपके भोपाल में। BHEL कहां पे है? ये है आपके भोपाल में। ऑलराइट, सो लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क एस्टेब्लिश्ड? पहला सोलर एनर्जी पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो इसका सही आंसर है यह है आपका राजगढ़। राजगढ़ में मध्य प्रदेश के पहले सोलर पार्क की स्थापना की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी आ सकता है आपसे। प्रोजेक्ट उदय, उदय प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में किस चीज से संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है? इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरीगेशन। तो प्रोजेक्ट उदय किससे संबंधित है? यह है आपका इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से संबंधित है प्रोजेक्ट उदय। इसको आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 5230 इंटर स्टेट इरीगेशन प्रोजेक्ट इज द प्रोजेक्ट बिटवीन द स्टेट ऑफ, 5230 परियोजना किन दो राज्यों के मध्य की परियोजना है? तो 5230 प्रोजेक्ट का यदि आपको लोकेशन पता है तो उससे आपको चीजें बन जाती हैं। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज्वाइंट परियोजना है 5230 परियोजना, और आप बता सकते हैं क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज्वाइंट तो परियोजना है, लेकिन 5230 परियोजना मध्य से किस जिले में से था? एनी ऑफ यू वांट टू कमेंट आउट। अगला, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कितना है? 25 साल है। तो याद रहे विधानसभा का सदस्य, विधायक बनने की मिनिमम एज 25 साल होती है। वहीं विधान परिषद की बात करें, मतलब विधानसभा का जो उच्च स्तर है, चूंकि हर जगह तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, हालांकि आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन आंध्र प्रदेश ने यह बिल पास कर दिया है कि वहां से हटा दिया जाए। तो देखा जाए तो इन राज्यों में विधान परिषद भी है, मतलब उच्च सदन भी है, और उसके लिए बेसिकली कितना होता है? 30 साल होता है। वहीं लोकसभा की बात करें, लोकसभा के लिए 25 साल होता है। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के लिए 30 साल होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है जिसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। और पंचायती राज सिस्टम के लिए कितना होता है? 21 साल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब देखें तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ICT से पूछा गया है। तो पूछा है ऑप्शन ई बिजनेस इंक्लूड्स ई कॉमर्स, ई बिजनेस में ई कॉमर्स इंक्लूड होता है, बिल्कुल सही बात है, ई बिजनेस में ई कॉमर्स ऑब्वियस बात आएगा। दूसरा स्टेटमेंट है ई कॉमर्स इंक्लूड्स ई बिजनेस। अब देखिए ई कॉमर्स में सारा का सारा ई बिजनेस आप इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब ई बिजनेस एक बड़ा सेट है,
ई कॉमर्स उसके अंदर आ सकता है, लेकिन ई कॉमर्स छोटा सेट है तो उसके अंदर ई बिजनेस पूरा नहीं आ सकता। और तीसरे स्टेटमेंट है ई बिजनेस इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो ई बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आता है। बिल्कुल सही बात है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो स्टोरेज है उसको मैनेज करने का। तो कुल मिला के 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। ई कॉमर्स इंक्लूड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो ई कॉमर्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं आता। कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक ट्रिकी क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी आप ध्यान रखना। द NCCC इज एन ई सर्विलेंस एंड ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो NCCC का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है, ये ई सर्विलेंस ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देना है। तो याद रहे इसका फुल फॉर्म है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। कह सकते हैं जो पेपर आपका हो रहा है, इस पेपर में जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा डिफिकल्ट है, GS पार्ट भी इसमें थोड़ा टाइट है, इतना आसान नहीं आया है कि इसमें लोग बड़ी आसानी से स्कोर कर सकें। तो पॉसिबिलिटी है कि जो कट ऑफ है आपका इस पेपर में बाउंड्री लाइन में ही जाएगा। आयुष में यदि किसी ने GS कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो पॉसिबिलिटी उनकी काफ़ी अच्छी होगी। बट एनीवे अभी पेपर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस दैट ऑपरेट्स वाया वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस कौन है जो कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन में ऑपरेट होती है? तो इसका सही आंसर है, यह है लिंक्डइन, है ना। लिंक्डइन की बात करें, ओके, तो यहाँ पे कई लोगों को स्पेलिंग यदि इसकी नहीं पता है तो पता होना चाहिए लिंक्डइन। तो लिंक्डइन की बात करें, इसके माध्यम से आप अपनी एम्प्लॉयमेंट जो अपना एक प्रकार से कह सकते हैं रेज्यूम फॉर्म में बना सकते हैं, और लिंक्डइन इस फील्ड में काफ़ी एक्टिव भी है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, पिक्चर एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज क्या बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट, है ना। ओके, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। डिजिटल करेंसी इज द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ, डिजिटल करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किसकी है? देखिए, डिजिटल करेंसी की हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एक टर्म जो आता है जो हमारे जहन में आता है, दैट इज बेसिकली ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन की मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी है, बट ऑब्वियस सी बात है, यू नो अबाउट दैट। अंडर विच मिनिस्ट्री डज नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC कम? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर किसके अंतर्गत आता है? अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इवनली इस टॉपिक को हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था कि NIC किसके अंडर में आता है। तो ये चीज़ें हमारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में प्रॉपर तरीके से कवर भी किया गया था। आई एम श्योर जिन्होंने किया होगा उनको आइडिया भी होगी। What is the full form of BCC? BCC का फुल फॉर्म क्या है ईमेल में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। इसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। What is that? BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। जब मेल करते हैं तो BCC का ऑप्शन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स? मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स में कौन सा नहीं आएगा? तो अब इसका देखा जाए तो इसका सही आंसर है, देखिए समझना है थोड़ी सी। ई कॉमर्स में जो कस्टमर टू कस्टमर है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कस्टमर टू कस्टमर, तो टाइप ऑफ ई कॉमर्स आप कह सकते हो। क्यों? बिकॉज देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी हमारी आप पुराना सामान बेचना चाहते हैं, कोई खरीदना चाहता है, तो ये जो सर्विसेज हैं ये बहुत पॉपुलर हैं इस समय एज ऑफ नाउ। बिजनेस टू बिजनेस की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस ऑब्वियस बात है ये सिस्टम भी काफ़ी एक्टिव है, बिजनेस हाउसेज बिजनेस हाउस से कनेक्ट होते हैं। बिजनेस टू कस्टमर जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये तो चीज़ें B2C हैं, तो बहुत ही पॉपुलर है। कस्टमर टू बिजनेस की बात करें तो ये थोड़ा सा कम पॉपुलर है। कस्टमर से सामान खरीदने का जो सिस्टम है, बिजनेस हाउसेस थोड़ा सा उतना एक्टिव तरीके से समय नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि इतना फेमस नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं। व्हाट इज RTGS इन ई बैंकिंग? RTGS ई बैंकिंग में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। तो ऐसी चीज़ों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की जानकारी आपको होनी चाहिए, फ्यूचर में काम आएंगे। हु वॉज द ऑथर ऑफ पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना वन मानी, उस पथ पर देना तुम फीक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, ये इसके ऑथर कौन है? मध्य प्रदेश में जो फिलोसफर्स हैं उनके क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछाते हैं, मध्य प्रदेश की जो साहित्य है उससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछाते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णा है पुष्प की अभिलाषा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेर इज द पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेट? मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पर है?
तो इसका सही आंसर है वो है मंदसौर, मंदसौर पशुपतिनाथ टेम्पल है। अगले क्वेश्चन है हु इज द फेमस फोक सिंगर ऑफ मध्य प्रदेश का फेमस फोक सिंगर कौन है, और इस क्वेश्चन की सही बात करें तो ये है तीजन भाई। तीजन भाई का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकगीत में तीजन भाई का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान लोकगीत में इनका नाम बेसिकली नहीं आता। फ्रॉम विच सी द पॉइंट फ्रॉम विच फेमस रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर डिड तांते भील लर्न द गुरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल ऑफ अटैक, तांते भील ने किससे ये गुरिल्ला वॉरफेयर सीखा था, तो इसका सही आंसर है ये है ताते टोपे से तांते भील ने गुरिल्ला वॉरफेयर सीखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेम द फेमस क्वीन ऑफ गढ़मंडला, गढ़मंडला की फेमस क्वीन कौन थी, और इसका सही आंसर है बेसिकली ये है क्वीन दुर्गावती, गढ़मंडला की फेमस क्वीन, नो डाउट एवरीबडी नो अबाउट दैट। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर फादर एंड सन, तो फादर और सन का यहाँ पे कॉम्बो जो है आपको चूज करना है फ्रीडम फाइटर में, तो इसका सही आंसर है ये है शंकर शाह और रघुनाथ शाह, है ना। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह, इनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। अगला है विच डायनास्टी, थोड़ा सा हिस्ट्री क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट होते हैं बट पैनिक नहीं होना है। विच डायनास्टी इंटर्ड द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर द सुंग, तो सुंग के बाद में कौन सी डायनास्टी ने मालवा रीजन में एंटर किया है, तो ये आपको यहां पर बताना है, और इसका सही आंसर है वह है सातवाहन डायनास्टी, है ना, सातवाहन डायनास्टी मध्य प्रदेश में एंटर की। अगले क्वेश्चन है ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑन चंदेरी बाई बाबर द राजपूत रूलर वॉज, ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑन चंदेरी बाई बाबर द राजपूत रूलर वॉज कौन था उस समय, तो ये इसका सही आंसर है मैदनी राय, मैदनी राय का टाइम था, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हल्की जानकारी आपको होनी चाहिए, कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में कन्नौज का ट्रिपलटाइड स्ट्रगल भी हुआ था, और याद रहे इसमें इधर साइड से गुर्जर प्रतिहार थे, इधर साइड से पाल थे, और नीचे से सातवाहन डायनेस्टी थी, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो ट्रिपलटाइड स्ट्रगल था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनीवे आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इन्वेजन ऑन चंदेरी भाई बाबर उस समय जब अटैक हुआ था उस समय मैदनी राय वहाँ पर राजपूत रूलर थे, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, तिरोड़ी एंड राम राम वाज फेमस फॉर द मिनरल डिपॉजिट ऑफ, तो तिरोड़ी और राम राम जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस हैं, तिरोड़ी और राम राम तो ये फेमस है बेसिकली मैग्नीज के लिए, तिरोड़ी राम राम, और याद रहे मैग्नीज के लिए वैसे बड़ी फेमस माइन है दस बेसिकली भरवेली माइन, और भरवेली माइन की बात करें कहाँ पर है, ये है आपके बालाघाट में, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश फॉर बॉक्साइट डिपॉजिट, तो कौन सा है, ऑप्शन है मालवा, गढ़मंडला, मझगवां और बेहर प्लेटू, तीन ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो इसका सही आंसर है ये है बेहर प्लेटू, तो ये है आपकी बॉक्साइट के लिए फेमस। बॉक्साइट आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का जो ओर है एस्क है उसको बॉक्साइट बोलते हैं। विच इन द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ मध्यप्रदेश कंज्यूम्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन द ईयर 2019-20, तो सबसे ज्यादा किसने कंज्यूम किया किस सेक्टर ने, तो क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है, और इसका सही आंसर है बेसिकली दैट इज बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे ज्यादा एनर्जी इनको दी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो यह 36 का सही आंसर हुआ सी, हालांकि इसमें थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है वैसे, बट एनीवे, इन द मंथ ऑफ जनवरी विच आइसोथर्मल लाइन डिवाइड्स मध्य प्रदेश इनटू टू पार्ट्स नॉर्दर्न सदर्न पार्ट, तो ये आइसोथर्मल लाइन आपको बताना है कौन मध्य प्रदेश को दो पार्ट में सेपरेट करता है, तो इसका सही आंसर है 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, फ्यूचर में भी आपके क्वेश्चन काम आएगा। अगले क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है विच द फॉलोइंग ट्राइब लिव्स इन पातालकोट डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, तो पातालकोट की जो ट्राइब है ये काफ़ी बैकवर्ड ट्राइब बनी जाती है, और इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये है भारिया जनजाति जो कि मध्य प्रदेश के पातालकोट जगह में निवास करते हैं जो कि छिंदवाड़ा में है, इन्हें वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ यमुना बेसिन इन मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है, तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अंदर मल्टीपल ऑप्शन हो रही है, तो चंबल की बात करें चंबल तो यमुना से मिलती है, केन यमुना से मिलती है, पैशुनी जो है उसी सिस्टम में आती है, सोन की बात करें ये यमुना बेसिन में नहीं आती, क्यों, बिकॉज सोन नदी यमुना से मिलती ही नहीं, सोन नदी की बात करें सोन अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से निकलने के बाद में ये सीधे गंगा से मिलती है, कैसे मिलती है, गंगा से मिलती है, किस पॉइंट में मिलती है, वो जगह है दानापुर, दानापुर पटना के पास एक जगह है जहाँ पर गंगा से
सोन मिल जाती है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। एक है आपके सामने मुकार्त गोड्स जो है ये किस नदी संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर है बेसिकली दस नर्मदा, नर्मदा नदी संबंधित है मुकार्त गोड्स, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हालांकि पहले कभी पूछा नहीं गया, बट फिर भी दैट्स क्वाइट न्यू इनोवेशन, दैट्स इंपॉर्टेंट। विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव्स कंपेरेटिवली मोर रेनफॉल, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, ये क्वेश्चन हालांकि पीएससी में पहले ही पूछा गया था, तो इसका सही आंसर साउथ ईस्टर्न रीजन, जो कि हमारा बेसिकली बालाघाट के आसपास का क्षेत्र है, और बालाघाट की यदि हम बात करें तो बालाघाट का जो क्षेत्र है यहाँ पर यूजली वर्षा ज़्यादा होती है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बालाघाट में ही है। विच द फॉलोइंग बिल्डिंग इज मेड ऑफ मार्बल, इनमें से कौन सी बिल्डिंग जो है मार्बल की बनी हुई है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका हुसंग शाह की मकबरा। हुसंग शाह का जो मकबरा है ये कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके दसवीर धार, कहाँ पर है ये आपके धार में है, तो ये भी आपको याद रखना है, हुसंग शाह का मकबरा मतलब मांडू में है, तो ये मार्बल का बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर वेन वॉज द फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 टेस्टेड इन इंडिया, वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फ्यूचर में भी आप याद रखना है कि MPPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है, और ये है बेसिकली 30 जनवरी 2020 30 जनवरी को हमारे देश में पहला COVID-19 का केस रजिस्टर्ड किया गया। वट इज द नेम ऑफ शिप विच गॉट स्टक इन द सुएस कनाल ऑन 23rd मार्च 2021, ये काफ़ी फेमस शिप रहा है इंटरनेशनल न्यूज़ में, बहुत ही इसका नाम रहा है, एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट वन। तो स्वेज कैनाल कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वेज कैनाल बेसिकली बनी है बेसिकली इजिप्ट में, और देखा जाए तो जो लाल सागर है रेड सी को भूमध्य सागर से कनेक्ट करने का काम करती है स्वेज कैनाल, और ये पड़ती है आपके इजिप्ट में, जिसमें स्वेज से लेके पोर्ट साइड के बीच में ये कैनाल बनाई गई है, जिसने बेसिकली कह सकते हैं एशिया से यूरोप की जो लंबाई है काफ़ी कम कर दी थी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है, इसका नाम है एवर गिवन, इसका सही आंसर है एवर गिवन, जो कि जो शिप था काफ़ी बड़े साइज का शिप था, जैसे कारण कहते हैं कि स्वेज की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब बेसिकली इजिप्ट को कह सकते हैं काफ़ी नुकसान हुआ। वेयर वाज द फर्स्ट भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्टार्ट इन मध्य प्रदेश से पहला भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, वेल दिस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर है बेसिकली दैट इज बेसिकली बी, एंड दैट इज भाभरा, भाभरा में पहला भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्टार्ट किया गया। भाभरा की बात करें एज ऑफ नाउ पड़ता है अलराजपुर में, पहले झाबुआ में था लेकिन अलराजपुर जो कि अलग जिला बन चुका है। व्हिच क्रॉप हैज बीन द हाईएस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द ईयर 2020-21 इन मध्य प्रदेश, व्हिच क्रॉप हैज बीन द हाईएस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, तो दलहन की बात करें दलहन में सबसे अधिक उत्पादन किस में हुआ है, तो यदि हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, चना, चने का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है दलहन में। नाउ लेट्स गेट द 47th क्वेश्चन लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी इज रेड टू, बलवंत राय मेहता पंचायत राज सिस्टम मध्य प्रदेश की पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, तो बलवंत राय मेहता सिस्टम के बारे में जरूर डिस्कस करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है ना, एलएम सिंह भी कमेटी है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने तीन टाइम सिस्टम प्रपोज किया था, जिनका फॉर्मेशन जवाहरलाल नेहरू के टाइम में किया गया था, और बाद में इनकी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में नागौर एक जगह है जहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं पहला पंचायती राज सिस्टम गठन किया गया था, जो कि 2 अक्टूबर 1969 में किया गया था, और याद रहे ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अशोक मेहता कमेटी की बात करें, अशोक मेहता कमेटी ने दोडा सिस्टम प्रपोज किया था, और एलएम सिंह कमेटी काफ़ी फेमस है, चूंकि इस कमेटी ने बोला था कि पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, तो इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। इन विच ईयर वॉज द गर्ल गॉर्जियन पेंशन स्कीम स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, गर्ल गॉर्जियन पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में बेसिकली किस तरह स्टार्ट की गई है, इसके लिए हम बात करें इसका सही आंसर है वो है 2013 में, 2013 में गर्ल गॉर्जियन पेंशन स्कीम शुरू की गई है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना करके एक योजना स्टार्ट की गई थी, जो कि एक प्रकार से किसानों के लिए स्टार्ट की गई थी, इसमें यह था कि 6,000 रुपये एक साल में किसानों को दिया जाएगा, 2,000 की 3 किस्तें रहेंगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य सरकार की इनिशिएटिव है, जिसमें यह था कि 4,000 रुपये दिया जाएगा, 2,000 की 2 किस्तें।
तो ये दोनों योजनाओं को यदि मिला दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मिला दें, तो कुल मिला के 10,000 का कवरेज किसानों को देने की बात की थी। नाउ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड दैट कि ये योजना कब शुरू की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है 25 सितंबर 2020 को। 25 सितंबर 2020 को स्टार्ट की गई थी। हालांकि कुछ ही दिन पहले 25 सितंबर था, तो ऑब्वियस बात है ये दिन आपके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट था, है ना, एग्जाम का दिन था। मार्च लोक नाट्य मेनली किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो याद रहे मार्च हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य भी है, इसलिए इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसका सही आंसर है वो है मालवा, मालवा क्षेत्र का मार्च राजकीय लोक नाट्य है। लोक नृत्य में कन्फ्यूज मत करना, लोक नृत्य मध्य प्रदेश का जो है वो राई है राजकीय, और राई बुंदेलखंड रीजन का है, ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानकारी रखनी है। तो ये रहे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल की यदि हम बात करें तो पेपर वाज क्वाइट टाइट पेपर, इसमें जीएस पार्ट में स्कोर करना थोड़ा सा इतना आसान नहीं था। यदि किसी के पास इतने सारे फैक्ट रहे होंगे तो पॉसिबिलिटी रही होगी, अदरवाइज हो सकता है हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे रहे होंगे जो आयुष के, जिन्होंने जीएस को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि शायद बहुत सारे लोग शायद इसका कट ऑफ क्लियर ना कर पा रहे हों, दैट्स द पॉसिबिलिटी। चूंकि 40% बोला गया था कि 40% कट ऑफ रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ प्रॉपर तरीके से है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि 40% स्कोर ना कर पा रहे होंगे। कितने में? 50 में, मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ पे स्कोर करना, 20 क्वेश्चन के मार्क्स स्कोर करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर कट ऑफ क्लियर होगा उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे चूंकि आयुष में यहाँ पर 3 पेपर हुए थे, आयुर्वेद का हुआ था, यूनानी का हुआ था, और इसके अलावा होम्योपैथी का हुआ था, उसके पेपर की डिफिकल्टी क्या थी उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जीएस का पेपर मैं कह सकता हूँ थोड़ा टाइट पेपर था, इसलिए जिन्होंने कट ऑफ इसका क्लियर किया है उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये रहा डिस्कशन। इसके अलावा मैं पोल भी क्रिएट कर दूंगा, पोल के माध्यम से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि मैं लर्नर सर्विसेज LS आयुष करके एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, लर्न सर्विसेज आयुष, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर इसके लिए प्रॉपर डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, कट ऑफ कितने आ सकता है आने वाले कल में, अपकमिंग जो इंटरव्यूज वगैरह होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो लर्न सर्विसेज आयुष करके ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, उसकी डिटेल्स जो है आपको नीचे शेयर कर दी जाएंगी, डिटेल्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके आप लर्न सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम लोग जो फ्यूचर डिस्कशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे फिर, तब तक के बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल हेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच, बाय।